आपने देखा होगा कि किसी आयरन को जब मैग्नेट के पास में ले जाया जाता है तो उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, जबकि किसी दूसरे मटेरियल को मैग्नेट के पास में ले जाते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स उतना स्ट्रांग नहीं होता या अट्रैक्टिव फोर्स लगता ही नहीं है, है ना। ऐसा इसलिए होता है कि डिफरेंट मटेरियल्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती है। तो आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंट मटेरियल्स जो होते हैं उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती कहां से है और आती है तो किसमें ज्यादा स्ट्रांग होता है, किसमें जो है कम होता है, ये सारी चीजें आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक, जैसा हम सब लोग जानते हैं कि हर मटेरियल के अंदर एटम्स होते हैं और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, है ना। तो हमने पहले भी बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं वो एक इक्विवेलेंट करंट जनरेट करते हैं और वो एक मैग्नेटिक डायपोल जैसे बिहेव करते हैं, उनका अपना एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। ठीक, बिल्कुल उसी तरह से ये कह सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन है उसका अपना स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है, अपने जगह पर वो स्पिन करता रहता है, तो उसकी वजह से भी कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आता है। जो न्यूक्लियस है उसका भी अपना डायपोल मोमेंट होता है, तो किसी एटम का जो नेट डायपोल मोमेंट होता है ये तीनों तरह के डायपोल मोमेंट का कॉम्बिनेशन से आता है। तीन तरह जो मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर ऑर्बिट में रिवोल्यूशन के कारण से, एक बताया कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन मोमेंटम होता है उसकी वजह से, और तीसरा बताया न्यूक्लियस का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वजह से। तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन से किसी एटम का नेट डायपोल मोमेंट आता है। ठीक, अब मटेरियल के अंदर ऐसे हजारों लाखों एटम्स होते हैं, सबका अपना अपना डायपोल मोमेंट है कुछ। ठीक, तो जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो मटेरियल के अंदर ये सारे डायपोल मोमेंट्स जो होते हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन जब कोई बाहर से एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया जाता है तो ये अपने आप को उसके पैरेलल एलाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो जैसा कि मैंने बताया कि मटेरियल के अंदर हजारों लाखों डायपोल मोमेंट होते हैं, है ना, तो एक टर्म डिफाइन किया जाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये किसी मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये कहा जाता है इट इज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, है ना। तो इसको डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इस तरह से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को डिफाइन किया जाता है। जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, मटेरियल जो होते हैं इनको हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल कह सकते हैं। ये तीन तरह के होते हैं, एक होता है पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और तीसरा होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो तीनों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल से, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर जो एटॉमिक डायपोल्स होते हैं वो अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एलाइन करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है कि वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड से ज्यादा हो जाता है। ठीक, तो ये कहा जाता है कि टेंडेंसी ऑफ ए मटेरियल टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन,
magnetization is called paramagnetism. And the materials which exhibit paramagnetism are called paramagnetic materials, और paramagnetic material का example है जैसे कि manganese होता है, ठीक। तो paramagnetic material का मतलब ये हो गया ऐसे material अगर जिनको external magnetic field में रख दिया जाए तो उनके अंदर जो atomic dipoles होते हैं वो अपने आप को एक्सटर्नल फील्ड के पैरेलल अलाइन करने की कोशिश करते हैं जिसके कारण से नेट मैग्नेटिक फील्ड वहां पर पहले से ज्यादा हो जाता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को शो करने वाले जो मटेरियल्स होते हैं उनको पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है, ठीक है। दूसरे टाइप का मटेरियल मैंने बताया कि होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जिनको बिना किसी एक्सटर्नल फील्ड के जो है मैग्नेटाइजेशन की टेंडेंसी होती है, मतलब कि अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं भी हो तो वो अपने आप को जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं, है ना। उनके जो डायपोल्स होते हैं वो अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं जिससे वहां पर जो है मैग्नेटिक फील्ड अपने आप क्रिएट हो जाता है। अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाएगा तो वहां पर भी ये अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल इस तरह से ओरिएंट कर लेते हैं कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड फील्ड से कई गुना ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, है ना। सम मटेरियल्स कह सकते हैं कि इन सम मटेरियल्स एटॉमिक डायपोल्स, जिस एटॉमिक डायपोल की हम लोग बात कर रहे थे वैसे वाले एटॉमिक डायपोल्स हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू अलाइन देमसेल्व्स, अलाइन themselves even without any presence of or without presence of any external magnetic field. These materials are called ferromagnetic materials. ठीक, ये हो गए ferromagnetic materials। इसका example है iron, है ना। आयरन आपने देखा होगा कि जब भी किसी मैग्नेट के पास में ले जाते हैं तो वहां पर फील्ड काफी ज्यादा हो जाता है, बहुत स्ट्रांग फोर्स से अट्रैक्ट होता है किसी मैग्नेट से। तो ये हो गया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और जो परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से ही बनाए जाते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड of ferromagnetic materials।
ठीक। अब ये जो एटॉमिक डाइपोल्स होते हैं मटेरियल के अंदर, ये छोटे छोटे डोमेन्स बनाते हैं। डोमेन्स का मतलब कर सकते हैं कि छोटे छोटे, जैसे एक बड़ा सा बिल्डिंग होता है उसमें छोटे छोटे घर होते हैं, वैसे ही डोमेन्स है। जैसे मैं एक फिगर बनाऊं, सपोज ये मटेरियल है तो इसके अंदर छोटे छोटे इस तरह से डोमेन्स होते हैं। हर डोमेन में, अब जैसे ये डोमेन हो गया तो इस डोमेन में जितने भी एटॉमिक डायपोल्स होंगे वो सारे ऑलमोस्ट पैरेलल होते हैं, सबका नेट मैग्नेटिक डायपोल में जोड़ करके एक डायरेक्शन में आया कहीं ऐसे। जैसे ये एक अलग डोमेन है तो इस डोमेन में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अलग हो सकता है, इसमें अलग हो सकता है ना। तो डिफरेंट डोमेन्स में डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है, जो मैग्नीट्यूड है, वो डिफरेंट हो सकता है। लेकिन जब इनको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल वाला जो डोमेन है उसका जो डायपोल मोमेंट है वो बढ़ने लगता है। जो डोमेन का साइज बढ़ने लगता है तो उसका डायपोल मोमेंट बढ़ने लगता है। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो डायपोल मोमेंट वाला डोमेन होता है उसका साइज छोटा होने लगता है, यानी उसका डायपोल मोमेंट घटने लगता है। और इस तरह से डोमेन कैरेक्टर के कारण से वहां पर जो है वो फील्ड का स्ट्रेंथ काफी हाई हो जाता है, यानी अप्लाइड फील्ड जो है उसके स्ट्रेंथ से भी काफी ज्यादा हो जाता है ना। तो कह सकते हैं कि एटॉमिक डायपोल्स इन दिस टाइप ऑफ मटेरियल्स, यानी फेरोमैग्नेट मटेरियल की मैं बात कर रहा हूं, मटेरियल फॉर्म डोमेन्स डिफरेंट डोमेन्स डिफरेंट डोमेन्स हैव डिफरेंट साइज डायपोल मोमेंट बट ऑल द एटॉमिक डायपोल्स इन अ डोमेन हैव डायपोल मोमेंट इन सेम डायरेक्शन व्हेन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड in external field then domains having dipoles parallel to external magnetic field grow in size while those domains having dipoles opposite to external magnetic field reduce in size. So due to domain character of फेरोमैग्नेटिक मटेरियल
नेट फील्ड इज मच हायर देन एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड. ठीक, अब डोमेन किस तरह से बढ़ते हैं इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा फिगर बना देता हूं. जैसे मान लिया कि यहां पर कुछ इस तरह से ये चार डोमेन है. अब यहां पर डायपोल मोमेंट इधर है, यहां पर इधर है, यहां पर इधर, अब ये ऐसे है. ठीक, ये तब का है जब कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है. अगर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिया, मान लिया एक्सटर्नल फील्ड हमने अप्लाई किया है इस डायरेक्शन में, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इधर है राइट ओवर डायरेक्शन में, तो होगा क्या, राइट ओवर डायरेक्शन में ये वाला जो डायपोल मोमेंट है राइट ओवर डायरेक्शन में, तो इसका साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा, है ना, कुछ इस तरह से हो जाएगा. तो जिस डायपोल मोमेंट का है, जिस डोमेन के अंदर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, उसका साइज बड़ा हो जाएगा. और जिसका डायपोल मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, उसका साइज छोटा हो जाएगा. देखेंगे ये छोटा सा हो गया ये, है ना, और बाकी भी है उसी तरह से, बाकी सब रिड्यूस हो रहे होंगे, केवल एक डायरेक्शन वाला जो कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है उसका साइज बढ़ रहा होगा, है ना. तो उसके आने से क्या होगा कि नेट डायपोल मोमेंट जो है सिस्टम का वो आ जाएगा एक्सटर्नल फील्ड के पैरेलल, और एक्सटर्नल फील्ड के पैरेलल आते ही यहां पर स्ट्रेंथ जो है वो पहले से ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरे वाले मटेरियल के बारे में जिसको कि डाई मैग्नेटिक मेटेरियल कहा जाता है ना. तो कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर अपना नेट डायपोल मोमेंट नहीं होता है. मैंने बताया था कि किसी एटम का जो डायपोल मोमेंट होता है वो तीन कारणों से होता है. एक तो इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन की वजह से होता है, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोमेंटम की वजह से, तीसरा होता है न्यूक्लियस का जो डायपोल मोमेंट होता है उसकी वजह से. हो सकता है ये तीनों मिल करके एक दूसरे को कैंसिल कर दें, यानी एक एटम का जो डायपोल मोमेंट है वो कैंसिल हो जाए. ठीक है, मटेरियल के अंदर भी नेट डायपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगा. तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका अपना नेट मोमेंटम जीरो होता है, लेकिन जब इनको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इनके अंदर जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है. मैग्नेटिक डायपोल कहें तो इंड्यूस हो जाता है, और जब इंडक्शन होता है तो ये हमेशा एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होता है, और इस कारण से क्या होता है कि वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पहले से कम हो जाता है, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से कम हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड. तो इस टाइप के मटेरियल को हम लोग कहते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल. कहा जाता है कि टेंडेंसी ऑफ ए मटेरियल, टेंडेंसी ऑफ ए मटेरियल टू रिड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन इन डायरेक्शन, इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इसको शॉर्ट में ऐसे हम लोग लिखेंगे आगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड डायमैग्नेटिज्म एंड दोज मटेरियल विच exhibit diamagnetism are called diamagnetic material, और diamagnetic material का example है hydrogen.
ठीक है। तो पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता था कि मैग्नेटाइजेशन जो होता था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होता था। फेरोमैग्नेटिक में भी जो मैग्नेटाइजेशन होता था वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता था, जबकि इसमें जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। ठीक, पैरामैग्नेटिज्म जो होता है उसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो कम होता है, फेरोमैग्नेटाइजेशन में काफी ज्यादा होता है, और इसमें तो जस्ट उल्टा मैग्नेटाइजेशन हो जाता है। मैग्नेटाइजेशन का मतलब आप यूं समझें कि जो डायपोल मोमेंट्स होते हैं मैग्नेटिक, जो हम लोग एटॉमिक डायपोल मोमेंट्स की बात कर रहे थे, तो वो जब अपने आप को एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपना ओरिएंटेशन बनाने लगते हैं, उसके पैरेलल अलाइन करने की कोशिश करने लगते हैं, तो वहां पर एक नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आता है। तो नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो जितना ज्यादा होगा उतना कहेंगे कि मैग्नेटाइजेशन ज्यादा हुआ है ना। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसमें जो डायपोल मोमेंट्स हैं अपने आप को अलाइन करके, है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करके जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, तो उस बढ़ाने को हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। अगर किसी में जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गया है तो कहेंगे मैग्नेटाइजेशन ज्यादा हो गया, किसी में कम है तो कहेंगे कि मैग्नेटाइजेशन कम हुआ, किसी में उल्टा डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन हो गया तो कहेंगे कि नेगेटिव मैग्नेटाइजेशन एक तरह से, है ना। तो इस तरह से ये तीन टाइप के मटेरियल होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो तीन टाइप के मटेरियल्स हैं वो किस टाइप के, जो सॉलिड या लिक्विड या किस टाइप के सब्सटेंस में पाए जाते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है, है ना। जैसे कहते हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो ये एक्चुअली में सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, जबकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो हमेशा सॉलिड होता है। मतलब ये वाली जो फेरोमैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होती है वो सॉलिड्स में पाई जाती है, ठीक है। डायमैग्नेटिक जो है ये भी सॉलिड और लिक्विड दोनों में होता है, ठीक। और इसमें जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो स्मॉल मैग्नेटाइजेशन होता है। जब किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इनको रखेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल को, तो जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो कम होता है लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है। तो कह सकते हैं स्मॉलर मैग्नेटाइजेशन पैरेलल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में भी पैरेलल ही मैग्नेटाइजेशन होता है लेकिन काफी स्ट्रांग मैग्नेटाइजेशन होता है, स्ट्रांग मैग्नेटाइजेशन, है ना, स्ट्रांग मैग्नेटाइजेशन पैरेलल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो होता है मैग्नेटाइजेशन वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो कह सकते हैं इसमें मैग्नेटाइजेशन अपोजिट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और अगर किसी मैग्नेट के सामने ये तीनों मटेरियल ले जाएंगे तो किस तरह से अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे ये हम लोग देखेंगे। तो पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल होता है वो वीकली अट्रैक्ट होता है किसी भी मैग्नेट से, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, स्ट्रांगली attracted by a magnet, ठीक। और डायमैग्नेटिक जो है वो रिपेल होता है, weakly repelled by a magnet, ठीक है। अब ये जो मटेरियल है इसके आसपास जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज होती है उनका शेप यहां पर दिखाया गया है नीचे। तो जैसे देखेंगे कि ये मटेरियल है, ये रेड कलर से मैं दिखा, ये मटेरियल है
इसके आसपास जो देखेंगे कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज हैं, कुछ इस शेप, इस टाइप की शेप वाली होती हैं। मतलब ये देखेंगे कि मैग्नेटिक जो जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उसके अंदर लाइन्स की डेंसिटी ज्यादा हो गई है, डेंसिटी बढ़ गई है, यानी यहां पर लाइन्स जो है बिल्कुल पास में आ रही है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है अगर उसको रखा गया है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहां पर देखेंगे कि जो लाइन्स की डेंसिटी है और भी ज्यादा है, मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा हो गया है। यहां भी शेप देखेंगे तो एक जैसा ही है, लेकिन यहां पर डेंसिटी ज्यादा है, यहां यानी कि यहां पर जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसलिए ऐसा होता है। इसमें डायमैग्नेटिक में देखेंगे कि यहां पर लाइन्स की डेंसिटी जो है और कम हो गई है। अगर एक्सटर्नल फील्ड होता तो लाइन्स की डेंसिटी कहीं ऐसे होनी चाहिए थी, इस मटेरियल के आसपास देखेंगे और डेंसिटी जो है वो कम हो गया है, ये इस तरह से फैल रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं यहां पर लाइन्स ऑफ फोर्सेज, क्योंकि ये रिवेल करता है एक तरह से कह सकते हैं, या अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन करता है, यानी यहां पर स्ट्रेंथ जो है इसके आसपास और कम हो जाएगा, इसके अंदर स्ट्रेंथ जो है कम हो जाएगा। स्ट्रेंथ कम होने का मतलब है कि लाइन्स की डेंसिटी यहां पर और कम हो जाएगा।